राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा दास बिहारी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। अष्ट सखी वृंद की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री नृसिंह भगवान की जय। श्री नीलाचल धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू द सेमल डिवोटी। 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 जय श्री प्रभुपाद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरातिशय नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जैन भू सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पतिं च परया भक्त्या महापुरुष चेतसा प्रियैः तैतैः उपनमेत प्रेमशीलः स्वयं पतिः बिभ्रियात् सर्वकर्माणि पत्न्यः उच्च अवचानि च पतिं च परया भक्त्या महापुरुषचेतसा
Priya istai tai rupanamet. Prema silaha swayam patihi. Bibhriyat sarva karmani. Patnya uchavacha nicha. शब्दार्थ पतिम पति च तथा परया
परम भक्त्या भक्ति से महापुरुष चेतसा परम पुरुष मानकर प्रिय प्रिय तय तय उन उन भेंटों से उपनमेत उपासना करे प्रेमशील प्रेम पूर्वक स्वयं स्वयं पति पति विभ्रियात संपन्न करे सर्वकर्माणि सारे कार्य पत्न्या पत्नी के उच्च अवचानी उच्च तथा निम्न छोटे बड़े च तथा अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की अनुवाद। पत्नी अपने पति को परमेश्वर का प्रतिनिधि मानकर और उसे प्रसाद देकर शुद्ध भक्ति से उसकी पूजा करे। पति भी अपनी पत्नी से परम प्रमुदित होकर अपने परिवार के कार्यों को स्वयं करे। दोहराइए आप लोग। पत्नी अपने पति को परमेश्वर का प्रतिनिधि मानकर और उसे प्रसाद देकर शुद्ध भक्ति से उसकी पूजा करे। पति भी अपनी पत्नी से परम प्रमोदित होकर अपने परिवार के कार्यों को स्वयं करे। तात्पर्य, उपर्युक्त विधि से पति तथा पत्नी के पारिवारिक संबंध स्थापित होने चाहिए। श्रील प्रभुपाद की। श्रील सुखदेव गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं कि पत्नी का कर्तव्य है वो भगवान की पूजा करे, इसके साथ ही पतिम च पति की भी पूजा करें। किस भाव से? पराया भक्त्या, परम भक्ति पूर्वक बड़ी श्रद्धा से पूजा करें। यहाँ तक कि महापुरुष चेतसा, वह यह माने कि पति परम पुरुष भगवान का प्रतिनिधि है। और पति का कर्तव्य बता रहे हैं, पति प्रेमशील होना चाहिए। प्रेमशील, जिसके स्वभाव में प्रेम करना है, वो कभी पत्नी से घृणा न करे, पति से प्रेम करे, पत्नी से प्रेम करे, ऐसा स्वभाव पति का होना चाहिए। प्रेमशील और प्रेम पूर्वक पत्नी के काम को वह करे। अगर पत्नी भगवान की पूजा में लगी है तो और काम करने की उसे फुर्सत नहीं होगी। छोटे बड़े जो भी काम हो उन कामों को पति ही करे। विभ्रियात सर्व कर्माणि, सभी कर्म जो कर्म पति करती है, पत्नी करती थी, उसको करे। भगवान की पूजा में यदि पत्नी व्यस्त रहे, भगवान के लिए भोग बनाना, श्रृंगार करना और अनेक प्रकार के काम हैं पत्नी के, अगर वह लगी हुई है भगवान की पूजा में, तो पति का कर्तव्य है कि वह पत्नी के सभी कामों को करे, छोटे या बड़े। जैसे छोटे छोटे कार्य हैं, बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना, तो उनको नहलाना, उनकी सार सफाई करना, पोशाक पहनाना, स्कूल भेजना, ये छोटे छोटे कार्य हैं। और बड़े बड़े कार्य तो स्वयं पति करें। प्रेमशील पति, उसे अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए। और पत्नी यदि भगवान की भक्ति में व्यस्त है,
या कभी दैव जोग से बीमार पड़ गई है, तो उस समय पत्नी के जो भी कार्य हैं वो पति स्वयं करे। यह शिक्षा है सुखदेव गोस्वामी की। जो भी कर्म है उच्च अवच, अवच का अर्थ होता है नीच और उच्च का अर्थ है बड़ा, बड़ा या छोटा कर्म जो भी है पत्नी का वो पति करे। भोजन बनाना आदि, पत्नी भगवान की भक्ति में व्यस्त है तो कौन करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि काम धंधा ठप हो जाए, पति को स्वयं करना चाहिए। अतः इसके लिए ट्रेनिंग ले लेना चाहिए। ऐसा डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि पत्नी भोजन बनाएगी तभी बनेगा। वो भगवान की भक्ति कर रही है, पूजा कर रही है, तो उस समय पति का कर्तव्य है कि वह पत्नी के काम को स्वयं करे। एक बात बहुत विशेष है कि पत्नी पति की पूजा करे, उपासना करे, किस भाव से? महापुरुष चेतसा, उसके चित्त में ये रहना चाहिए कि हमारा पति भगवान का प्रतिनिधि है, ये भाव रखना चाहिए। यद्यपि आज के जमाने में ऐसा कहना पत्नियों के लिए ये पचने लायक नहीं है, लेकिन ये तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के मूल वक्ता का उद्गार है। और इसकी टीका श्रील प्रभुपाद ने की है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि पति और पत्नी में आध्यात्मिक संबंध होना चाहिए और इस तरह परिवार प्रेम पूर्वक चलेगा। कोई कोई बात समझ में नहीं आती है लेकिन स्वीकार करना चाहिए। इस श्लोक में पति और पत्नी के कर्तव्य को बताया गया है। मुख्य है पत्नी, पत्नी यदि पुंसवन व्रत कर रही है, भगवान की भक्ति में लगी है, 1 साल का व्रत है, तो उसे सवेरे से शाम तक फुर्सत नहीं मिलेगी पूजा से, तो उस समय पति पत्नी का कार्य करे। प्रेमशील, प्रेम पूर्वक करे, भार मान कर नहीं, पत्नी के कार्य को स्वयं करे, सिखाना नहीं पड़े। सभी कार्य विभ्रियात सर्व कर्माणी सभी कर्मों को करें, जो जो पत्नी के कर्म हैं। यदि पत्नी भगवान की पूजा में लगी है, भगवान के लिए काम कर रही है, गौर निताई के लिए, राधा श्याम सुंदर के लिए कार्य कर रही है, तो उसके कार्य में बाधा नहीं देनी चाहिए, भक्ति करने देनी चाहिए। और कोई कार्य है पत्नी का तो वो पति को स्वयं पूरा करना चाहिए। बड़ी सुंदर शिक्षा है,
पति और पत्नी में बहुत घनिष्ठ संबंध है। जितना ही पति पत्नी का संबंध अस्थिर रहेगा उतना ही परिवार सुखी होगा। पहले पत्नी का कर्तव्य बता रहे हैं, पत्नी का भाव होना चाहिए कि हमारा पति साक्षात भगवान है, भगवान का प्रतिनिधि है। अतः डिवोर्स का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। आज के युग में ये डिवोर्स एक प्रसिद्ध शब्द हो गया है। इस साल विवाह होता है और एक साल के बाद दरखास्त गिर जाता है, एप्लीकेशन पड़ जाता है कि हम लोग अलग रहना चाहते हैं। इस तरह का संबंध नहीं होना चाहिए। पति और पत्नी का संबंध बड़ा पवित्र संबंध है और इसको आध्यात्मिक बनाया जा सकता है, अस्थिर बनाया जा सकता है। हमारे भारतवर्ष में यह परंपरा है हिंदू समाज में कि यदि किसी का वैवाहिक जीवन 50 वर्ष का हो गया तो बहुत अच्छा माना जाता है। वर्षगांठ मनाते मनाते 50वां वर्ष मनाते हैं। 50 वर्ष से हम लोग एक साथ हैं, कोई कोई 70 वर्ष तक ले जाते हैं और कुछ ऐसे नराधम हैं जो एक साल भी नहीं निभा पाते हैं। एक साल के बाद ही विवाह विच्छेद कर लेते हैं। ये तो राक्षस जैसे हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि पत्नी भगवान की भक्ति करे और इसके साथ ही पतिम च पति की भी भक्ति करे। कैसी भक्ति? पराया भक्ति है, परम भक्ति, परम भक्ति से सेवा करे जैसे भगवान की करती है। भगवान के लिए विविध उपहार देती है, भोग बनाती है। तो यदि पति को ये सब वस्तुएं प्रिय हैं तो देना चाहिए। भगवान को भोग लगा करके जो जो पति को प्रिय है वो आइटम, वो प्रसाद देना चाहिए। प्रिय स्तय स्तय उपनमे देना चाहिए। भगवान को भोग लगा करके सबसे पहले पति को देना चाहिए प्रसाद। यह उपासना है। कौन प्रसाद देना चाहिए? प्रिय ही तय तय, जो पति को प्रिय है। प्रत्येक पति को भिन्न भिन्न प्रिय होती है वस्तु, तो उसको जो प्रिय हो उसको देना चाहिए। किसी किसी पति को खीर प्रिय होता है, किसी को खिचड़ी अच्छी लगती है, किसी को रोटी चाहिए, किसी को मिठाई चाहिए। तो जो भी भगवान को अर्पण की है उस प्रसाद में पति को जो जो प्रिय लगे वह देना चाहिए। ये सोच करके कि यह साक्षात भगवान मांग रहे हैं। मूर्ति को तो अर्पण की है लेकिन यहाँ डायरेक्ट भगवान मांग रहे हैं कि हमको भी यह चीज दो। जो प्रिय है उनको वह देना चाहिए और आनंद से देना चाहिए, परम भक्ति के साथ।
ऐसा नहीं कि यदि पति मांग रहा है कि हमको गरम रोटी दो तो कह दे कि नहीं नहीं ठंडा कौन खाएगा, यही खाओ, ऐसा तो सोचना भी पाप है मन में, और बोलना तो और पाप है। बहुत प्रेम से बोलना चाहिए, तुरंत स्वीकार करना चाहिए, ठीक है ला रहे हैं। पत्नी जितना प्रेम से बोलेगी उतना ही अच्छा है। बोलना एक भक्ति है। पति कुछ भी मांगे, ठीक है ला रही हूँ, अभी लाती हूँ। कभी पानी मांग सकता है, कभी दूध मांग सकता है, या कोई कभी दवाई मांगे। तो ये पत्नी का धर्म है प्रेम से बोलना, ठीक है लाती हूँ, अभी ला रही हूँ। ऐसा न बोल दे कि ये क्या बकबक करते रहते हैं। मैं भी एक जीव हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ। इतना खट रही हूँ और इस पर ये लाओ वो लाओ ये लाओ। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं प्रिय तय 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 तय, बहुवचन में है। पति को जो जो प्रिय है उन उन वस्तुओं को अर्पण करके उनकी पूजा करें, उनको संतुष्ट करें। यदि पति पत्नी में प्रेम है तो सब सुख है। चाणक्य पंडित ने नित्य श्लोक में कहा है जिसके घर में पत्नी बहुत मधुर बोलने वाली है और पुत्र आज्ञाकारी है तो स्वर्ग कहीं दूसरी जगह थोड़े है, यही स्वर्ग है। अगर पत्नी मधुर बोलती है तो बड़ा सुख है और पुत्र आज्ञाकारी है। और यदि पुत्र आज्ञाकारी नहीं है और पत्नी बहुत कठोर बोलती है तो उस व्यक्ति को वन में चले जाना चाहिए, क्योंकि घर में रहना और वन में जाना दोनों एक ही है। जब पत्नी मीठा नहीं बोलती है तो उस घर में रहकर क्या करेंगे, और पुत्र आज्ञाकारी नहीं है और माता कि मृत्यु हो गई है। माता जस गृहे नास्ति प्रिया चा प्रिय भाषणी, माता जिसके घर पर नहीं है और पत्नी कर्कश मिल गई कठोर बोलने वाली तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वन में चला जाए, क्योंकि वन में रहना या घर में रहना बराबर है। तो एक भक्त पूछा था कि जब वन में रहना घर में रहना एक ही है तो घर छोड़े क्यों, ठीक है। इसलिए कि वन में इतना कठोर बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा, घर में ज्यादा दुख है। तो बहुत बड़े परमहंस आचार्य सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, सुन रहे हैं महाराज परीक्षित कि पत्नी का यह कर्तव्य है। प्रत्येक माता जी को अपने कर्तव्य को जान करके खुशी होनी चाहिए कि सुखदेव जी हमारे कर्तव्य को बता रहे हैं। कई बार माताएं पूछ देती हैं आप लोग पत्नी का कर्तव्य तो बताते हैं लेकिन पति का कर्तव्य नहीं बताते हैं। पति का कर्तव्य भी बताए सुखदेव गोस्वामी, उसका कर्तव्य है पत्नी के काम को करना। कभी पत्नी अयोग्य हो जाती है, उसके प्रिय होते हैं, कभी बीमार पड़ जाती है तो उस समय पति उसके काम को करे,
कभी थक गई है, सोना चाहती है, भोजन नहीं बनाती, तो उस समय पति भोजन बनावे, सीख लेना चाहिए रोटी बनाना, चावल बनाना, और भी तरह तरह की सब्जियां हैं, उसे बनाने की कला सीख लेनी चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करना है, विभ्यात सर्व करनाणि, घर के सभी कर्मों को करें। ये पति का कर्तव्य बताया गया, और पत्नी का कर्तव्य है कि वह पति की सेवा करे, भगवान की सेवा करे, भगवान की पूजा करे। प्रायः भक्तों के घर में गौर निताई जी रहते हैं, राधा कृष्ण रहते हैं, तो सेवा करे, ये मुख्य धर्म है पत्नी का। वो पति के जगने से पहले जग जाए सवेरे भोर में, और भगवान का श्रृंगार कर दे, आरती आदि की तैयारी कर दे, स्वयं आरती करे। पति का ये कर्तव्य नहीं कि वो कुंभकर्ण जैसा सोया रहे, वह तत्पर है, कम से कम गावे तो, वो तो आरती कर रही है और टेप बजा करके नहीं, पति का कर्तव्य वो स्वयं गावे, आरती गावे, पत्नी आरती कर रही है, बच्चे भी तैयार हो जाए तो अच्छा है। इस प्रकार पति पत्नी में परस्पर सहयोग होना चाहिए। ये पुंसवन व्रत की कथा चल रही है, तो उसी के संदर्भ में सुखदेव गोसाई बोल रहे हैं कि यदि पत्नी भगवान की पूजा में लगी है, उसको फुर्सत नहीं होता है, तो पति पत्नी के काम को पूरा करे। ये बहुत महान व्रत है, वैष्णव व्रत। जैसे एकादशी है, एकादशी खास भगवान के बारे में व्रत है, हरिवासर उसे भगवान का दिन में कहते हैं, माधव तिथि, भगवान माधव की अतिथि है। ये पुंसमन व्रत भगवान का व्रत है, इसको करने से सारे देवता पितर के साथ श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, और उनके पति श्री भगवान। जिस घर में गौर निताई हैं या राधा कृष्ण है, उस घर का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आलस छोड़ करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये छोटा काम है लेकिन बहुत बड़ी महिमा है इसकी। घर में भगवान के लिए भोग बनाना, श्रृंगार करना, ये बहुत बड़ा काम है। प्रतिदिन हमारे जीवन में भगवान आ जाते हैं, भगवान को खिलाना है, भगवान को सुलाना है, भगवान के लिए गीत गाना है, भगवान की आरती करनी है। इस प्रकार की भावना बनती रहेगी। कोई भी पुरुष अगर भगवान की पूजा करता है तो उसे सब सुख प्राप्त होता है, उसकी कामनाएं पूरी होंगी।
और स्त्री यदि पूजा में लगी है तो उसे सौभाग्य प्राप्त होगा, श्रियम प्रजा जीव पतिम जसो गृहम, उसको सौभाग्य प्राप्त होगा, वह स्त्री की कृपा प्राप्त करेगी, घर में धन बना रहेगा, प्रजा संतान की प्राप्ति होगी, जस बढ़ेगा और घर बार अच्छा रहेगा। ये भगवान की पूजा का सहज प्रभाव है। और केवल इस प्रसंग को कोई पढ़े खास करके श्राद्ध के महीने में पितरों को तृप्त करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कोई पाठ करता है पढ़े तो सभी देवता और पितृलोक के वासी प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं केवल पढ़ने वाले को। पूजा करे तब तो और बात है, विशेष बात है, केवल इस प्रसंग को पढ़ने से लाभ। मैं एक बार इसको करके देखा हूँ, अमेरिका से आते समय इंग्लैंड में मैं उतरा था तो विष्णु महाविष्णु महाराज के एक शिष्य मिल गए, वो अपने घर पर ले गए हमको। उनके घर पर जाने पर उनकी पत्नी, उनकी माँ, ये सब स्वर से रोने लगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्यों रो रहे हैं। माता जी रो रो करके कहने लगी, विवाह किए 8 साल हो गया, कोई बच्चा नहीं है, यही सोच करके रो रही थी। बाद में वो लड़की आई, उनकी बहू, वो भी रोने लगी। तो अरण्य रोदन था, मेरे पास रो करके क्या कर। मैं सोचने लगा मैं क्या करूँगा, मेरे पास कोई उपाय नहीं। लेकिन उनका रोना बंद नहीं हो रहा था तो मैं यही श्लोक सुना दिया, एतत् पठन अभ्युदय च कर्मणि अनंत तृप्ति पितृ देवता नाम। इस 18वें अध्याय का पाठ करने पर देवता और पितर तृप्त होते हैं, अनंत अपार तृप्ति होती है। और भगवान यज्ञ भोक्ता भगवान हरि प्रसन्न होते हैं। तो मैं यही कह दिया कि तुम तो ये व्रत कर नहीं सकती हो, पुंसवन व्रत तुम्हारे लिए कठिन है, लेकिन केवल इसको पढ़ो, 18वां 19वां अध्याय प्रतिदिन पढ़ो तो उसको उस बात में श्रद्धा हो गई। वो लड़की पढ़ने लगी और 1 साल के बाद मैं इंग्लैंड गया तो पता लग, बड़ी खुशी में वो लोग थे, उनको पुत्र हो गया, उसका नाम रखे, वो लोग नाम रखे कृष्ण। वो बच्चा सामने आया और लोग बताए कि ये पाठ करने से हुआ है।
उस भक्त का नाम है दीपक और वेम्बली टाउन में रहते हैं इंग्लैंड में लंदन के। तो ये मैं प्रत्यक्ष देखा हूँ कि इसका पाठ करने पर अगर जो कोई व्रत नहीं कर सकता है तो पाठ करने में कितना समय लगेगा, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, दो अध्याय का पाठ करने में लगेगा। श्रद्धा होनी चाहिए, पाठ करना चाहिए। अगर समय नहीं है व्रत करने का, पूजा करने का, तो पाठ तो कर सकते हैं, तो सब सिद्धि मिलेगी, सब सुख मिलेगा। क्योंकि यह प्रसंग सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कहा गया है और वे स्वयं बताए हैं कि इसका ये फल है, पूजा का यह फल है और पाठ करने का ये फल है। एतत् पठन अभ्युदये च कर्मणि, इसका पाठ करने पर, पितरों को सुनाने पर, देवताओं को सुनाने पर तुष्टा प्रयंचन्ति, समस्त कामन संतुष्ट होकर के देवता और पितर सारे कामनाओं को पूरा करते हैं। और यज्ञ भूख श्री हरिश्च, और यज्ञ भोक्ता श्री भगवान, और च च का अर्थ है माता लक्ष्मी भी, ये प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त की समस्त कामनाओं को पूरा करते हैं। कोई भी स्त्री क्या चाहती है, कोई स्त्री को स्वाभाविक इच्छा होती है हमको अच्छा पति मिले, अच्छा पुत्र मिले, अच्छा घर मिले, घर में धन बना रहे, यही चाहती है ना। ये सब मिलेगा केवल भगवान की भक्ति से, भगवान की पूजा करने से सब मिलेगा। कितना प्रयास आदमी करता है इन सब चीज़ों के लिए, कई बार भयंकर काम करना पड़ता है, सवेरे से शाम तक जाप करना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, पर ये समस्त सफलताएं भगवान की पूजा करने से मिल जाएगी। और केवल पाठ करने से, और इसे पूजा में ये विशेषता है कि पत्नी भी कर सकती है, पति भी कर सकता है। एक अगर बीमार पड़ गया या कोई तकलीफ हो गई तो दूसरा भी कर सकता है। भगवान का जप करना है, अगर किसी कारण से पत्नी नहीं कर पाई तो पति कर सकता है, और दोनों में से एक करेंगे तो दोनों को फल मिलेगा। कृतम एक तरेण, इसके बाद वाला श्लोक यही बता रहा है कि पति पत्नी में अगर एक व्यक्ति भी भक्ति करता है तो दोनों को फल मिलता है। मक्खियों को क्या हो गया,
तो ये बहुत आसान काम है भगवान की पूजा। ऐसा नहीं है कि जो चालू किया बस वही करे, अल्टरनेटिव कर सकते हैं। कितना सुंदर संबंध है भगवान ने बनाया है। ये पत्नी के काम को पति कर सकता है, पति के काम को पत्नी पूरा करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रतिदिन के नियम को बदला करें। 16 माला जपना है, जपना चाहिए, लेकिन कदाचित अगर पत्नी अयोग्य हो गई, बीमार पड़ गई, तो पति उसको पूरा करे, ये ठीक है। ऐसा नहीं कि पत्नी बकाया रखे और अब दूसरे तीसरे दिन जप को पूरा करें। अगर पत्नी उसके 16 माला को पूरा किया तो वो पूरा माना जाएगा। ये बड़ा सुंदर सहयोग का काम है, भक्ति में सहयोगिता है। किसी कारण से पति नहीं कर पाया तो पत्नी करे, परंतु ये रोज का दैनिक नियम नहीं है। पति को 16 माला जप तो करना ही चाहिए और पत्नी को भी करना चाहिए। कभी ऐसा न मान ले कि वो कर लेगी और मैं आराम करूं। किसी भी सिद्धांत में जो सत्य है और श्रद्धा की बात है वो माननी चाहिए। पुंसवन व्रत एक साल तक चलने वाला व्रत है, उसके विषय में सुखदेव जी कहे हैं ये महान व्रत है। ऐसा व्रत जिसको करने से माता दीति अपने गर्भस्थ बच्चे को बचा सकी। भगवान की कृपा से बच्चा 7 टुकड़ा में काटा गया और काटने वाला देवराज इंद्र, और वो भी अमोघ अस्त्र लेकर के प्रहार किए, फिर भी 7 टुकड़ा हो गया बच्चे का और 7 जीवित हो गया, पूर्ण स्वस्थ। 7 को फिर 7 टुकड़ा में काटा, 7 को तो 749 हो गए और कंप्लीट ठीक। क्या कहीं ऐसा मेडिकल साइंस है जो किसी बच्चे को 1 टुकड़ा भी काट दे तो उसको बना देगा? कहीं ऐसा नहीं, लेकिन इस व्रत में शक्ति है, भगवान की कृपा है कि देवराज इंद्र पूरी शक्ति से काट दिए देह को, और माँ बेचारी क्या करे, उसको पता भी नहीं चला गर्भ में बच्चा है, फिर भी भगवान की कृपा से जी गया। भगवान की कृपा कैसे मिली दीति को? यह व्रत करने से। भगवान की पूजा की थी, भगवान की पूजा का प्रभाव है। हमको तो बार बार इस पर आश्चर्य होता है कि 7 टुकड़ा में काट दिया गया बच्चा और फिर भी 7 बालक बन गया, जी गया, और 7 को फिर काटे एक एक को 7 टुकड़े में, तो 49 टुकड़े 49 देवता हो गए।
इस बात से मेरे मन में बहुत श्रद्धा है। सुखदेव जी बोलते हैं और प्रभुपाद जी टीका लिखे हैं, हमको पूरा विश्वास है इस व्रत को कोई करे, भगवान की पूजा करे तो फल अवश्य होगा। फल तो असली फल है भगवान की भक्ति प्रेम, लेकिन आनुषंगिक फल है जीवन की रक्षा। दीति का बच्चा बच गया, मरा नहीं, ये तो आनुषंगिक फल है, भक्ति के साथ साथ हो ही जाएगा। सांसारिक जो सफलता है वो आनुषंगिक फल है। जैसे हम लोग गेहूं की खेती करते हैं, गेहूं तो मिलता ही है, उसके साथ साथ भूसी भी मिल जाती है, ये उसके साथ ही लगा हुआ है। भूसी के लिए अलग से खेती नहीं करनी पड़ती। अनाज के लिए खेती करेंगे, भूसी हो जाएगी। भक्ति करेंगे, भक्ति ही असली फल है, उसके साथ ही चिरंजीवी होना, धनी होना, शरीर ठीक होना, ये तो आनुषंगिक फल है। इसको कहते हैं घलुआ में हो जाना, घलुआ समझते हैं। कभी कभी माता जी लोग सौदा करती हैं तो सौदा बेचने वाले से पंसारी से कहती हैं थोड़ा घलुआ दे दो, तो कोई चीज दे देता है उठा करके थोड़ा, इसको घलुआ कहते हैं भोजपुरी में। ये तो घलुआ में मिल जाएगा, असली लाभ तो भक्ति है, लेकिन घलुआ को ही लोग बहुत महत्व देते हैं। खास करके माता जी लोग, हमने गांव में देखा है कोई सौदा बेचने वाला आता है, खास करके गुड़ मसाला आदि, तो ठगता बहुत है, लेकिन थोड़ा घलुआ दे देता है, इस पर माता जी खुश हो जाते। तो जो भी हो ये तो घलुआ में ही मिल जाएगा। स्वस्थ जीवन, धन प्राप्त होना, उम्र बढ़ जाना, ये सब घलुआ में मिल जाएगा। असली लाभ है भक्ति, पूजा करनी चाहिए। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं ये मरुद गणों का जन्म महान कथा है, महती कथा, महत। दो बार कहते हैं राजन महत मरुतान जन्म एतत्। हे राजन, हे महाराज परीक्षित, ये मरुद गणों के जन्म की कथा महान कथा है। और माता दीति ने जो व्रत किया ये भी महान है। दीते व्रतम चाभितम महत्ते, तुमसे मैंने ये महत कथा को सुना दिया, महत व्रत। इतना महान व्रत, भगवान की पूजा, इसके प्रभाव से बच्चे काटने के बाद भी मरे नहीं, वज्र का प्रहार किया गया फिर भी वे नहीं मरे। और पूजा का ऐसा प्रभाव हुआ कि वे देवता बन गए, बहुत बलवान देवता, 49 मरुदगण इंद्र के सुहृद सहायक बन गए। इन घटनाओं पर विचार करने पर बड़ा आश्वासन मिलता है कि भगवान की पूजा में यह शक्ति है। इसीलिए भक्तों को अपने घर पर
भगवान को वश रखना चाहिए, चाहे गौर निताई हो, चाहे सीता राम जी या राधा माधव जी, जरूर पूजा करनी चाहिए। पति पत्नी को मिल करके पूजा करनी चाहिए। तो इससे बड़ा मंगल होगा। हरे कृष्णा। क्या पाठ सुनाई पड़ा लेकिन क्या नहीं सुना? हाँ, हरे कृष्णा महाराज जी, ये जो 18 और 19 अध्याय का पाठ है, ये संस्कृत में ही करना चाहिए कि हिंदी में भी कर सकते हैं? यदि संस्कृत समझते हैं तो संस्कृत में करें, नहीं तो हिंदी या मराठी इंग्लिश कुछ भी पढ़ सकते हैं। समझना चाहिए, समझ करके पाठ करना चाहिए। हरे कृष्ण महाराज, आपने बहुत सुंदर क्लास दिया। महाराज, जैसे स्त्रियों के लिए यहाँ पे ये बताया गया नियम कि उनको किस तरह पति की सेवा करनी चाहिए, तो एक वक्त एक चर्चा हो रही थी, तो उस वक्त ऐसा बोला कि स्त्री को पति का आदर करना चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए, पति को भगवान का स्वरूप मान के उसकी सेवा करनी चाहिए। पर आज के तारीख के अंदर ऐसे पति नहीं होते, और अगर स्त्री फिर भी अगर नम्र रह के सेवा करती है, तो ऐसा उन्होंने बोला कि एक हमने ऐसा वक्त भी देखा है कि जब नारी बहुत नम्र थी, और उस कारण हमने ये भी देखा कि उनकी मृत्यु तक हो गई, इतना उनको टॉर्चर किया गया। तो ऐसे परिस्थिति में क्या जवाब दिया जाए? हमारा जो कर्तव्य है वही करना है। अगर पत्नी का धर्म बताया जा रहा है तो पति की वो सेवा करे। पत्नी का ये अधिकार नहीं है कि वो पति का निर्माण करे, वो उसको शुद्ध बनावे या भक्त बनावे। जैसा पति है उसकी वो सेवा करे। यहाँ यही बात बताई, किसी भी स्थिति में अपने धर्म पर रहना चाहिए। तो ये पत्नी का धर्म है पति को भगवान जैसा मान करके सेवा करना, और पति तंग करने वाला हो, टॉर्चर करने वाला हो, इसके लिए ये बात तो कुछ कही नहीं गई है। पर पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए, यही बात बताई गई। अब व्यवहार में कौन कैसा है इसको एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, और न तो एडजस्ट कर पाएंगे। पर सिद्धांत जो सुखदेव जी बता रहे हैं, प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं, वही हम कहें कि पत्नी का एक कर्तव्य है सेवा करना। सेवा करनी ही चाहिए, सेवा ही फल है। धन्यवाद महाराज। हरे कृष्णा महाराज, अगर पति भक्त है, भक्ति कर रहा है, लेकिन उनके पत्नी उनको सहायता नहीं कर रही है, भक्ति में बाधा दे रही है, मतलब फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल तोड़ रही है, तो फिर इस परिस्थिति में पति का क्या कर्तव्य है? अपना कर्तव्य करे पति। पति का कर्तव्य है
उसकी सहायता करना, उसे भक्ति में लाना और कभी पीटना नहीं, कलह नहीं करना, ये पति का कर्तव्य है। पत्नी मिली है वो उसके कर्म का ही फल है। जैसा मलाप में लिखा गया था उसी के अनुसार पत्नी मिली, इसलिए अब बहुत धैर्य रख करके उसे भक्ति में लगाना चाहिए, भक्ति करने की सुविधा देनी चाहिए। अपना जो कर्तव्य है वो करना चाहिए। कठोर नहीं बोलना चाहिए, कोई भी जीव है ना कर्मानुसार आया है मनुष्य शरीर में, तो भिन्न भिन्न स्वभाव होगा ही, तो अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सभी को इस पर ध्यान रखना है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा जो कर्तव्य है करें। कभी कठोर बोलने से, डांटने से पत्नी में सुधार नहीं हो सकता, सुधार होगा प्रेम करने से। प्रेम से बोलना चाहिए, समझाना चाहिए और बहुत इम्पोज नहीं करना चाहिए, तुम भक्ति करो ही। दबाव करने से अच्छा परिणाम नहीं होता है। अवश्य इच्छा रखनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि पत्नी भगवान के भजन में हो जाए। कभी लाना चाहिए या कह कर के चलें इस्कान जुहू में, हम देखें कभी किसी फेस्टिवल में या संडे को जहाँ बहुत भक्त जुटते हैं, बहुत माता जी लोग भी आती हैं, तो उनका संग मिलेगा, देखोगी कुछ प्रभाव ऐसे हो सकता है। भागवत पढ़ने के लिए कहिए, गीता भगवत पढ़ने के लिए कहिए, या और कोई छोटी किताब प्रभुपाद जी की लिखी हुई पढ़ने के लिए कहिए। और प्रशंसा करनी चाहिए, थोड़ी भी भक्ति करे तो आलोचना नहीं करनी चाहिए। अगर दो माला भी करती है, एक माला भी कर रही है, तो ये अच्छा लक्षण है कि अब धीरे धीरे गेर पकड़ लेगा। एकाएक टॉप गेर में मत चलाने की कोशिश कीजिए। ये कुछ उपाय हैं, करना चाहिए। अगर एकाएक स्कान की विधि से भक्ति नहीं कर पा रही है तो ठीक है, जन्माष्टमी का व्रत करे, रामनवमी का व्रत करे, एकादशी करे, यहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। धीरे धीरे सब हो जाएगा भगवान की कृपा से। आशा रखनी चाहिए, सब क्षेत्र में भगवान पर विश्वास रखना चाहिए।
कोई भी जीव भगवान का भक्त हो सकता है, कोई भी मनुष्य। यह स्वरूप है सबका, स्वरूप कभी जाता नहीं है, उसको केवल जगाने की जरूरत होती है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करय उदय। ये भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं, इन्होंने बहुत दिनों से सुना है, पढ़ा है, तब कर रहे हैं। लेकिन शुरू शुरू में बहुत श्रद्धा टेंडर रहती है, श्रद्धा बलवान नहीं होती है, इसीलिए धैर्य रह करके प्रयास करना चाहिए। जैसे कोई लड़का सीख रहा है बाइसिकल चलाना है, तो गिर पड़े तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये नहीं चला पाएगा, कभी गिरेगा पड़ेगा, लेकिन एक दिन ऐसा चलाने लगता है कि हाथ छोड़ करके दिखाता है। चलाते चलाते अभ्यास से पक्का हो जाता है। तो प्रयास करने से, भगवान पर विश्वास करने से कोई भी व्यक्ति जो हमारा संबंधी है भगवान से जुड़ सकता है, जप कर सकता है, भागवत पढ़ सकता है और व्रत कर सकता है एकादशी वगैरह। विश्वास रखना चाहिए भगवान पर। जय श्री प्रभुपाद।